दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं और दूसरे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। नोएडा की सड़कों पे ई रिक्शा चलाने वाली चंचल शर्मा दूसरी लिस्ट में आती है। उनकी ई रिक्शा पर कई सवारियां चढ़ती उतरती हैं, पर एक सवारी है जो हमेशा इनके साथ बैठी रहती है, इनका एक साल का बेटा। मैं जब घर से निकली, मैंने सोचा मैं ड्यूटी भी करूं, पर मैं ड्यूटी करने के हालात में थी नहीं। मेरा बच्चा जब मैं घर से निकली 2 महीने का था। प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे हस्बैंड थे, ना मैं उनको समझ पा रही थी ना वो मुझे समझ पा रहे थे। बट हद जब हो गई थी जब मैं 9 मंथ से प्रेग्नेंट थी, जब उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा अपनी फैमिली वालों के सामने, तो और जब रेड एफएम को चंचल जी के बारे में पता चला तो हमने शुरू की इनके हौसले को सलाम करने की एक छोटी सी कोशिश, रेड एफएम स्त्री रिक्शा। और इसी बीच दिल्ली एनसीआर के हर सुनने और देखने वाले के लिए एक मिसाल बन चुकी चंचल जी ने शेयर किया अपना सपना रेड एफएम पर। पूरे दिन में बहुत मेहनत करके 600 रुपए कमाती हूँ और उसमें से 300 रुपए मेरा किराया चला जाता है। अगर मेरा खुद का रिक्शा होता तो मेरे लिए और ज्यादा बेनिफिट होता। जब लोग साथ जुड़ते हैं तो कारवां बन ही जाता है, और रेड एफएम के इस कारवां में जुड़े अजय जी। कल जब मैंने शाम को इनकी विश के बारे में सुना, क्योंकि ये रेंटेड ई रिक्शा ड्राइव कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट उसमें इनका जा रहा होगा अभी जी। तो जैसा ही मैंने सुना कि इनकी विश है कि इनका अपना ई रिक्शा हो, तो वो कॉस्ट इनका सेव हो सकता है, जो इनकी अपनी लाइफ की और बच्चे की लाइफ के लिए बेटर हो सकता है। तो ये सुनते ही हमारी टीम का नाम है खुशी एक एहसास, जो लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटने का काम करती है। तो इनकी खुशी के साथ, इनकी विश को पूरा करके इनकी खुशी के साथ जुड़ने के लिए हमारे लिए सुनहरा मौका था। और जैसे इनकी विश को सुना तो मन में सोच लिया कि इसको, इस विश को जरूर पूरा करना। हर हसरत को उसका अंजाम जरूर मिलता है, जहां लगन है वहां इनाम जरूर मिलता है। पापा जाते रहो 93.5।